Hello guys, this is Sahil again. I'm here with new video, with new vlogs. So guys, today we came in Saransk and this is the center of Saransk. So from here we will start our new video. So guys, let's enjoy this video and let's see what is in the Saransk. And because I hear always that Saransk is very famous city and very beautiful city, because in 2018 here was the World Cup, Football World Cup. So let's go and check out the beauty of this city. Guys, ये यहाँ का सेंटर है. ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, मोरदविया स्टेट यूनिवर्सिटी उसकी ये बिल्डिंग है. ये सामने ओगराव प्लाजा है, मींस ये मॉल है. ये यहाँ पे लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है. सो मैंने बहुत सुना है इस सिटी के बारे में, बहुत ही खूबसूरत सिटी है. तो आज यहाँ पे घूमने इसीलिए आए हैं, बहुत सुनने के बाद कि बहुत खूबसूरत है. अभी देखते हैं कितना खूबसूरत है. वैसे सेंटर से लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है ये सिटी. मैप है, ये म्यूजिकल फाउंटेन है. और एक्चुअली नाइट में ना यहाँ पे बहुत सारा कलर निकलता है, इसमें लाइट्स वगैरह, येलो, ग्रीन, मेनी टाइप्स ऑफ कलर. और जो फाउंटेन है ये म्यूजिक के साथ डांस करता है. अभी भी आप देख सकते हैं कैसा म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे और ये कैसे डांस कर रहा है. आप उधर देखते हैं क्या है उधर. Saransk Arena, this made in 2016, and this is the new complex, sport complex here, which is formed by the Ministry of Health and Sport, like think something, I don't know actually. So they made this especially for the kids who want to play and has been selected in the team. They can come here, they can play here. This free of cost. Football here is too much now. All people want to play here football, and all people want to go here, and they're just for football. They're totally crazy about football. That's why mostly people in this city, as I am seeing from the morning and from the evening when I was here last night, I'm just seeing that only people they want to play football. I asked from many people who was here, and I asked from them that which game you like, but they said football only. So guys, this is the, you can see how they make it. Russia is like football. मर्क्यूरी यहाँ पे जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, तो यहाँ पे मेसी जो है, कोई रोनाल्डो मेसी, ये जो प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, दे वर लिविंग दिस होटल, मर्क्यूरी होटल इन सारांस्क. रशिया में मोस्टली जगह मैं देखा हूँ. लास्ट टाइम जब मैं गया था एक बैंक में डॉलर चेंज कराने, तो मैं संडे में ही गया था अराउंड 11 o'clock. So when the bank was working the time, it is quite interesting thing for me here, and that 24 hours also bank working here. Some bank is working 24 hours in night, in day. और यदि आपको कोई पैसा निकालना हो या पैसा जमा करना हो, यहाँ पे रूबल चलता है एक्चुअली. यहाँ की जो करेंसी है रूबल है. आपको रूबल निकालना हो या रूबल जमा करना हो, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. जगह जगह उनके टर्मिनल मीन्स बंकोमात है, उनकी जगह जगह मशीनें लगी हुई है ATM, वहाँ पर आप जमा भी कर सकते हैं और वहाँ से आप पैसा निकाल भी सकते हैं. 24 आवर्स चलता है वो, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर. हम यहाँ पर
जैसे इंडिया में आपने देखा होगा इंडिया गेट है, और यहाँ पे एक ऐसी जगह है सेम जो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। ये वर्ल्ड वॉर चला था 1941 टू 1945, चार साल ये जंग चली थी द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे यहाँ पे। ये उसी की याद में बनाया गया है यहाँ पे सब चीज़ें। जैसे हमारे दिल्ली में ज्योति, जवान ज्योति है, वो हमेशा जलती रहती है, ऐसे ही यहाँ पे है। ये सर्दी में भी जब बर्फ होता बहुत ज़्यादा यहाँ पे तब जलती रहती है, और अभी तो गर्मी में तो ये मोस्टली जलती है, ये कभी बंद नहीं होती। ये जो वर्ल्ड वार हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार, उसकी याद में ये बनाया गया था यहाँ। हाँ, सभी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे म्यूजियम है जो शहीद हुए थे यहाँ पे वर्ल्ड वार में, उनकी सभी के यहाँ पे हिस्ट्री लिखे रखे है, शायद फोटो वगैरह भी लगा हुआ है उनका। देखते हैं अंदर जाकर। सभी की फोटो है। रॉकेट लॉन्चर और टैंकर, ये सब जो ये ओरिजिनल थे जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें सभी ये चीज़ यूज हुआ था यहाँ पे, तो उसको एज अ मेमोरी यहाँ पे ला करके रखा हुआ है इन लोगों ने। बहुत मजबूत है ये। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज होने वाले सभी टैंकर वगैरह यहाँ पे, और वहाँ पे अगर वहाँ पे चलता तो कूदना पड़ेगा फिर से। और इस बार तो चैलेंज ये भी है कि चढ़ना चाहते थे मगर काफी ऊंचाई है, ऊंचाई है ना, चढ़ जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जगह है चढ़ने। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? ये भी आज बहुत ज्यादा भारी है, कैसे उठाते होंगे वो इसको जब इसमें अंदर जाए, देखते हैं कैसे उठाते हैं। शायद पेट्रोल फुल है यहाँ पे चलाने के लिए, इसको पेट्रोल डाला जाता होगा यहाँ पे, पेट्रोल नहीं डीजल डाला जाता है, डीजल जो भी उस समय यूज होता है। और यहाँ देखिए साहिल भाई, अगर अटैक करना हो तो आप इसमें घुसेंगे, मैं इसमें घुसूंगा, साथ ही घुमा, एक खाली हरी उनके लिए रखेंगे। अच्छा
पीछे से घुसते हैं यहाँ पे लोग, हाँ पीछे से घुसते हैं। साकिब चलाएगा अब इसको। अभी वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता। मैं लोड कर रहा हूँ पार्क में। अभी वो बच्चा है। मैं लोड करूँ? आगे लोड करो। Seriously, very enjoying day. Very beautiful, very beautiful. का स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम जो विश्व फेमस है, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है इसकी सुंदरता के लिए और इसके आकार के लिए जिस तरीके से बनाया गया है। हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि पास से दिखाया जाए लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि आज वहाँ पे कुछ ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। हम अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने बोला है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है। हम हाईवे है यहाँ से मॉस्को के जाने के लिए, यहाँ पे ट्रॉली बस वगैरह सब चलती है यहाँ पे। और आप यदि देखेंगे तो ये बिल्कुल कनेक्ट है इससे, ब्रिज से यहाँ पे कनेक्शन है इसका। हम कोशिश करना कर सकते थे लेकिन पहले ही बता दें।